इस वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्य कंपनी की तरफ से बिल्कुल सही है। अगर बाद में कंपनी की नियत या फिर कंपनी बंद हो जाती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्मार्ट पे के जरिए कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि 599 में 5 महीने तक का रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी 1.5 GB पर डे, और जो भी आपकी अनलिमिटेड कॉलिंग की व्यवस्था हो। आपकी अगर जियो की सिम होगी तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलता होगा, 1000 मिनट्स मिलता होगा। और दोस्तों एयरटेल है, वोडाफोन है, तो उसमें भी यही सुविधा होगी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB पर डे 200 रुपये में। तो दोस्तों आप 599 में रिचार्ज कर देंगे तो आपका 400 रुपये महीने, मतलब 400 रुपया कुल बचेगा। अगर स्मार्ट पे के जरिए अगर रिचार्ज करेंगे 599 में तो आपको 400 रुपया की आपकी बचत होगी। और एक बार रिचार्ज करवा लेते हैं तो आप इसमें एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। अगर दूसरे का रिचार्ज करेंगे तो आपको इनमें बाइनरी इनकम और अच्छा खासा इनकम भी, पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप में आपको इससे जुड़ने के लिए किसी एक मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी जो स्मार्ट पे में काम करता हो और उसकी एक्टिव आईडी हो। तो दोस्तों मेरे पास इसका यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो आप अगर मेरे जरिए रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आप इनके जो वेबसाइट है, इनका जो एप्लीकेशन है, तो इनकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। तो चलिए दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक अपडेट बिजनेस से जुड़ी और स्मार्ट पे के जो भी अपडेट मिलती रहेंगी तो आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। तो इसमें अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं 599 में 5 महीने का रिचार्ज, तो दोस्तों आपको किसी के माध्यम से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई एक्टिव मेंबर्स हो जिसका एक बार रिचार्ज हो चुका हो, उसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उसको इस इसके जो वेबसाइट है स्मार्ट पे उसमें लॉगिन होने का मिल चुका है, तो वही आपका रिचार्ज कर सकता है। मैंने रिचार्ज किया है, अपना करवाया है, तो दोस्तों मुझे मिल गया है, तो आपको दिखा देता हूँ फिर से बैक लेके। तो देखिए दोस्तों मेरे में यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, तो मैंने एक बार रिचार्ज किया था तो मुझे मिल गया, तो मैं इसमें इस कंपनी का मेंबर्स बन गया हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल, क्योंकि दोस्तों आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी के माध्यम से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलता है कहीं पे भी आपको देखने को। देखिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा होगा कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जिसमें रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी की यही खास बात है कि इसमें रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है, सीधे लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आप किसी मेंबर से अपना रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड मैसेज के रूप में आया था, तो मिल चुका है, तो मैं इसमें लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको रिचार्ज करवाना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इनका देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चल रहा है, इसमें रुके दोस्तों, इस यहाँ पे देखिए फॉर पिन रिक्वेस्ट HDFC बैंक। अगर मैं आपको HDFC बैंक का डिस्क्रिप्शन, इनका जो अकाउंट नंबर है और IFSC कोड देख लीजिए ध्यान से, देखिए दोस्तों 50/2049/48/30/36 ये अकाउंट नंबर HDFC 00/28/41 है। तो दोस्तों इसी अकाउंट में आपको पैसा 599 भेज के आपको कुछ, जब आप गूगल पे के जरिए या फिर किसी और पे के वैलेट के जरिए रिचार्ज इसमें इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आप रिमार्क में अपना नाम डाल दीजिएगा। और दोस्तों सभी किसी से भी पेमेंट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप उतना करने के बाद डायरेक्ट इस अकाउंट में पैसा भेजने के बाद आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी। तो मुझसे अगर रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली भेज देंगे तो मैं रिचार्ज कर दूंगा। ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए और आपका नाम और फ़ोन नंबर, बस उसी से रिचार्ज हो जाएगा। और दिखा देता हूं दोस्तों आपको किस तरीके का स्क्रीनशॉट लेना है जिसे भेजना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 800 दिखा रहा है, तो आप 599, मैंने 800 का किया था, तो यहाँ पे 599 का करेंगे। और यहाँ पे स्मार्ट, तो यहाँ पे जो बाबा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिखा है अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे इंदु देवी लिखा है तो यहाँ पे भी अपना नाम आप ऑटोमेटिक करेंगे और हो जाएगा उसमें। बस यही देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए हमको और इसका स्क्रीनशॉट, यही आप भेज देंगे तो आपका रिचार्ज हम कर देंगे। टाइम इसमें 10 मिनट का लगेगा। और रिचार्ज मैं कैसे करूँगा आपको बता देता हूँ, यहाँ पिन मैनेजमेंट में जाके पिन जनरेशन में आपको
यहाँ पे सेलेक्ट पैकेज में कर लूँगा 599 रुपये का। और नंबर आप पिन में एक का रिचार्ज करना है तो एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे आप जाएंगे। आप गूगल पे से किए हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, मोबाइल बैंकिंग से, कुछ भी से किए हैं तो उसका पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गूगल पे में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ट्रांजेक्शन आई डी देखिए यहाँ पर दिया है, तो वही ट्रांजेक्शन आई डी हम यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इंटर रिमार्क में आपका नाम जो होगा उसको डाल देंगे। दोस्तों ईमानदारी बस यहीं पे है कि हम आपके साथ ईमानदारी का बर्ताव करेंगे, बस यही मेन है। क्योंकि दोस्तों अगर ईमानदारी नहीं रही तो यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन का तो ऑप्शन दी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे रिचार्ज। तो अब हमारी ईमानदारी यही होगी कि हम आपका रिचार्ज सक्सेसफुली कर देंगे। दोस्तों आप घबराइए कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप के जरिए। और दोस्तों यहाँ पे अपडेट रिसिप्ट, तो दोस्तों वो रिसिप्ट जो था वो उसी का स्क्रीनशॉट जो था उसी को यहाँ पे चूज फाइल पे करके अपलोड कर देंगे। फिर जनरेट रिक्वेस्ट पिन पे कर देंगे तो ये एक मिनट में हो जाएगा सक्सेसफुल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्टार्ट, यहाँ पे देखिए स्मार्ट पैकेज टॉपअप पे जाएंगे हम। तो स्मार्ट पैकेज पिन्स पे देखिए, एक पिन्स के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे तो एक पिन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर देंगे तो रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद अब रिचार्ज आपको देखना है, मेरा रिचार्ज जैसे ही इतना प्रोसेस मैं यहाँ से कर दूँगा आपके फ़ोन पे तुरंत एक, देखिए दोस्तों मैंने नहीं बताया कि यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ जब पिन पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो फ़ोन नंबर और नाम एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए आपसे मांगेगा। तो हम इसमें आपका फ़ोन नंबर डाल देंगे, आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। और कौन सा मतलब कौन से जियो में करवाना चाहते हैं, आइडिया में, वोडाफोन में, ये भी पूछेगा। यहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहीं पर हम सेलेक्ट करके बता देंगे। अब दोस्तों रिचार्ज जो आप करवाएंगे उसका पेमेंट प्रूफ आपको चाहिए कि हमारा रिचार्ज कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर है, रिमाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। तो यहीं पे देखिए दोस्तों अभी मेरा 5-4 रिचार्ज बाकी है, पेंडिंग में दिखा रहा है। तो और देख लीजिए 4 रिचार्ज यहाँ पे सक्सेसफुल भी हुआ है। तो मैं अभी, मेरा अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है तो रिचार्ज किए, तो यही सक्सेस एक दिखा रहा है, इससे 4 बाकी अभी। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा स्मार्ट पे के बारे में। और दोस्तों ये बिल्कुल कंपनी सही तरीके से वर्क कर रही है और इसमें काम करने लायक भी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिस्ट मैंने टीम में कितने लोगों को जेनोलॉजी में दिखा रहे हैं, तो 3 लोगों को जोड़ दिया। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए आप टीम जोड़ के भी इससे एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। और दोस्तों पैसा अच्छा खासा इसमें मिलता है। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिचार्ज करवाना है तो दोस्तों तभी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, फालतू में बकवास हमको पसंद नहीं है। तो दोस्तों और दोस्तों जो बात है यहीं पे आपको बता दिया हूँ। और कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तभी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, और रिचार्ज करवाना हो तभी कांटेक्ट कीजिए, और फ़ोन लगाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको स्मार्ट पे से जुड़ी, बिजनेस से जुड़ी और नए नए अर्निंग के टिप्स ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसके अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।